मकान में बनाते हैं, फिर उन पे भी लग जाते हैं दीमक सारे मकान खा रखे हैं उनके। मार्च अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, जैसे लाइट के टाइम शाम के टाइम पर खाना खाने के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। क्या होता है? क्योंकि ये सारे दीमक उठ के सारे लाइट के पास आ जाते हैं, लाइट से पूरे बर्तनों में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, हमारे गांव में पीछे भी है और सारे ये लगभग कोई कोई मकान है जो भी नहीं खा रखे, वो सारे टोटल मकान है जो खा रखे सर। बच्चों के साथ कैसी दिक्कतें होती है, जैसे बच्चे भी हैं, दीमक भी लग जाती है तो? बच्चों के साथ क्या सर, आते हैं और बच्चों पर पढ़ते हैं और लाइट भी आती है जब तब बहुत ज्यादा आते हैं सर। लाइट खोलने में दिक्कत हो जाती है। किस मौसम में है सबसे ज्यादा दिक्कत आपको? ये मार्च अप्रैल में है सर ज्यादा दिक्कत, अप्रैल मई तक जून तक गर्मी में है ज्यादा सर। क्या दिक्कत होती है? ज्यादा आते हैं, उड़ के आते हैं सर, बहुत सारे आते हैं तब बैठते हैं। मकान बना रखे थे, अब बाहर से दिखता नहीं है, ये तभी दिखता है जब मकान गिरने में आ जाता है, जब मकान गिरने पे आ जाता है तब जाके दिखता है, नहीं तो तब तक कोई दिखाई नहीं देता है। बाहर से लकड़ी बिल्कुल ओके होगी, अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है, तब पता लगता है जब गिरने पे मकान तैयार हो जाता है कि गिरने वाला है मकान अब। तो फिर जब गिर जाता है तब क्या करते हैं? तब क्या करना है सर, तब दूसरी जगह कहीं व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कितना पैसा खर्च हो जाता है? काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है सर, 2-3 लाख रुपये खर्च हो जाता है। कहाँ से बनाएंगे गरीब आदमी लोग, मकान कितनी बार बनाएंगे, 10-10 बार लगा दिया लोगों ने मकान। कितना टाइम टिकता है एक मकान यहाँ? ये सब ये टिकेगा कम से कम 5-7 साल, पर इससे ज़्यादा नहीं टिकता। दीमक लगना स्टार्ट हो जाता है लकड़ी में, जल्दी लग जाता है। तो शिकायत की आप लोगों ने कहीं? हाँ जी, बहुत जगह शिकायत की सर, पर किसी ने सुनवाई नहीं की। कभी कोई टीम आई हो रही सर? बहुत टीमें आई सर, 2-3 बार टीमें आ चुकी है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बोलते हैं हो जाएगा, दवाइयाँ देंगे, कोई दवाई कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये सर आजकल तो दिखते नहीं वैसे ना, जब गर्मी होती है तो सीधे खाने भी नहीं खाने देती, उड़ते हैं फिर और सीधे थाली में और बर्तनों में गिर जाते हैं। गर्मियों के महीने बहुत ही दिक्कत है, मतलब आदमी को भी थोड़ी बहुत काटते हैं गर्मी में, बहुत दिक्कत है जब आदमी के ऊपर बैठते हैं।